नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है, बुमराह को लेके, केएल राहुल को लेके, हार्दिक पांड्या को लेके और भी अपडेट्स है। तो अगर आप लोग क्रिकेट के फैन हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई जल्दी सबसे पहले आप सभी को सब्सक्राइब करना है, बगल में आप सभी को घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी याद से दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आज हम लोग ODI वर्ल्ड कप के शेड्यूल की, जी हाँ भाई, जो 2023 का वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, इसको लेके जो है ना भाई BCCI और ICC दोनों जन मिलके जो है ना 27 जून को दोपहर को 11:30 बजे मुंबई में जो है शेड्यूल को लॉन्च कर देंगे। तो जैसे ही जो है हमारे पास में शेड्यूल आती है, सबसे पहले मैं आप सभी को कहाँ पे दूंगा दूंगा हमारे टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सिंपल सा आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम को हमारे फटाक से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे रुकिए, देखिए हमारा काम कैसा है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार ज़रूर से ज्वाइन करके देखिएगा। नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। भाई बुमराह की जो इंजरी थी वो काफ़ी लंबे समय से फिलहाल चल रही है, तो बहुत लोग जो है इंतज़ार में है कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कब से खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसको लेके कल हमारे पास में ऐसी अपडेट आ रही है। जसप्रीत बुमराह जो होने वाली है इंडिया वर्सेस आयरलैंड की T20 सीरीज, ये सीरीज में जो है भाई 99% चांस है जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो बुमराह का जो कमबैक है वो आयरलैंड के सामने T20 सीरीज से होने वाला है, ये बहुत ही हाई चांस है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं बुमराह वर्ल्ड कप से पहले अपने पूरे रिदम में आ जाए। वहीं सेकंड तरफ बात करते हैं राहुल की। केएल राहुल को जो इंजरी हुआ था IPL में, उनकी भी इंजरी थोड़ी सी सीरियस दिखाई दे रही है, जिसके बाद में छोटी सी अपडेट ये है कि पहले हमारे पास में अपडेट आई थी कि केएल राहुल जो है वो एशिया कप खेलते हुए दिखाई दे सकते, लेकिन अब ऐसी अपडेट आ रही है कि केएल राहुल बहुत ही कम चांसेस है कि वो ये साल का एशिया कप इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज जो उनकी इंजरी है थोड़ा सा और लंबा समय ले सकती है उनके रिकवरी में, जिसके चलते राहुल जो है ये साल का एशिया कप 90% चांस है कि मिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है ना अगली अपडेट ये आ रही है रवि शास्त्री हार्दिक पांड्या को लेके। रवि शास्त्री ने ऐसा बयान दिया है कि उनके मुताबिक टीम इंडिया को जो है ना वाइट बॉल का कैप्टन, यानी कि वनडे और T20 का जो कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या को बना देना चाहिए ODI वर्ल्ड कप 2023 के बाद। तो भाई ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अभी फ़िलहाल रोहित शर्मा कंटिन्यू कैप्टनशिप करे वर्ल्ड कप तक, वर्ल्ड कप के बाद में जो है ना शास्त्री के मुताबिक हार्दिक पांड्या को वनडे और T20 दोनों कप्तान बना देना चाहिए, ताकि इंडिया का जो फ्यूचर है वो हार्दिक पांड्या संभाल सके। तो आपके हिसाब से क्या हार्दिक को कप्तानी देना सही है फिर गलत है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं अब कुछ रिकॉर्ड्स की। तो भाई यहाँ पे जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉस बटलर ने जो है उनके T20 करियर में ओवरऑल जो है टोटल 10,000 रन्स का आंकड़ा पार किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बधाई बटलर को कि 10,000 रन का आंकड़ा पार करना वो भी T20 क्रिकेट में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं जो हमको मालूम है कि फिलहाल जो वुमेंस का एशेज चालू है उसकी पूरी कवरेज हम लोग अपने टेलीग्राम पे कर रहे हैं, तो वहीं पे जो है इंग्लैंड की ओपनर टैमी ब्यूमार्ट, भाई इन्होंने जो है ना एशेज में डबल सेंचुरी मार दी। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है वुमेंस क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारना, और ये जो है इंग्लैंड की पहली ऐसी वुमेंस बनी है जिन्होंने टेस्ट में डबल 100 मारा है। दोस्तों एट द एंड बात करते हैं USA T20 लीग की, तो जिसके अंदर जो है ना दिल्ली कैपिटल इनकी फ्रेंचाइज टीम है, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न। तो इस टीम ने जो है ना शेन वॉटसन को जो है उनका हेड कोच अनाउंस किया है इस टूर्नामेंट के अंदर, जो कि फिलहाल ये दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइज है। ठीक है, ये थी हमारे पास में आज की सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी को दे दी इस वीडियो में, इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।